हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो देखिए, राजस्थानी भाषा का टॉपिक हमारा पूरा हो गया था, जिसमें हमने राजस्थानी भाषा, बोलियाँ, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ अब हम जो सेकंड टॉपिक करेंगे इसके बाद, वह है राजस्थानी साहित्य, राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। तो हालांकि हम कई जो हैं रचनाओं के बारे में पढ़ भी चुके हैं और इनके जो रचनाकार हैं उनके नाम सुन भी चुके हैं। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था, गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा था, उसके बाद जो है हमने मेवाड़ का इतिहास, रणथंबोर, जालौर का इतिहास, ठीक है, और राणा सांगा, मानसिंह, चंद्रसेन, तो इनके बारे में हमने पढ़ा। अजमेर के चौहान शासकों के बारे में पढ़ा। तो उनके समय में कई जो है विद्वान, उनके नाम भी आए थे, रचनाएं भी आई थी, ठीक है। तो वो हमने वहां पर भी याद की थी। अब अलग से ही ये टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले जो है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि साहित्य जो है वह आज से नहीं लिखे गए हैं, बल्कि लिखने की कला की हम बात करें तो इसका जो विकास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हो गया था, ठीक है। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो भाव चित्रात्मक लिपि, या आपने पढ़ा है ब्रूस्पोर्टन लिपि जो है, उसका प्रयोग करते थे। तो वो जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। उसके बाद जो है भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वह कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है उसकी रचना होती है। इसके अलावा सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीन जो वेद है वह कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। फिर हमने मौर्य काल देखा, तो मौर्य काल में हम लोग पढ़ते हैं कि जो सबसे पहला ग्रंथ है चाणक्य का, वो अर्थशास्त्र माना जाता है। और मैग्नीस्टीन की जो इंडिका है, जो कि मौर्य काल में ही लिखी गई थी उनके द्वारा, जिसमें मौर्य प्रशासन का वर्णन है। तो हम देखते हैं कि कई जो साहित्यिक हैं, कई रचनाएं जो हैं, कई ग्रंथ जो हैं, वो सभी जो हैं वो आज नहीं बल्कि बहुत पहले से ही लिखे गए हैं। लिखने की जो कला है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। तो यही जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजस्थानी जो साहित्य है वह आज का नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चंदवरदाई। चंदवरदाई के बारे में मैंने आपको बताया था जब पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बताया था, तो उनका जो है दरबारी विद्वान थे चंदवरदाई। तो इनका जो मूल नाम था वो था पृथ्वी भट्ट। इन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की, और जिसमें इन्होंने डिंगल भाषा शैली का प्रयोग किया। तो डिंगल और पिंगल भाषा शैली, जो कि हम राजस्थानी जो भाषा है उसमें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको भाषा का टॉपिक पहले कराया। तो पृथ्वीराज रासो में चंदवरदाई ने जो है वो बढ़ चढ़कर जो है पृथ्वीराज के बारे में खूब लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है, और इनकी तारीफ जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर की है। और ये जो पृथ्वीराज रासो है, इसकी रचना चंदवरदाई करते हैं, लेकिन इसे जो है पूरा करने का काम इन्हीं के पुत्र जलहर ने किया था, ठीक है। इसमें जो है 1 लाख तो छंद हैं इस पृथ्वीराज रासो में। तो इस ग्रंथ से हमें उस समय की जो है वो सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी जो है वह है मिलती है। तो चंदवरदाई का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, आपसे क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि चंदवरदाई ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी और वह किस भाषा शैली में रचित है। तो पृथ्वीराज रासो जो कि डिंगल भाषा शैली में रचित है, और इसके अलावा थोड़ा बहुत जो है इसमें पिंगल भाषा शैली जो है उसकी भी झलक देखने को मिलती है। डिंगल भाषा जो है वो आप यहाँ याद रखें। फिर देखिए उद्योतन सूरी। तो उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला ग्रंथ लिखा था, ये हमने राजस्थानी भाषा के टॉपिक में पढ़ा, ठीक है। नाम याद रखिएगा इनके ग्रंथ का। तो इस ग्रंथ में इन्होंने जो है राजस्थानी भाषा के अलावा ये बताया कि भारत में जो है वो 18 भाषाएं हैं, जिसमें से राजस्थानी भाषा को इन्होंने क्या नाम दिया था? तो बताइए आप लोगों ने याद किया बिल्कुल, तो मरुभाषा जो है वो बताया था, ठीक है। और इसी मरुभाषा को इन्होंने मरुवाणी वर्ड जो है वह कहा था, ठीक है, आप लोगों को याद आ गया होगा। ये जो उद्योतन सूरी हैं, ये जालौर के जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे वत्सराज, तो इनके ही दरबारी विद्वान थे। तो इस कुवलयमाला में ही इन्होंने, उद्योतन सूरी ने, इनके बारे में खूब लिखा, ठीक है, जालौर के बारे में भी लिखा, और इस ग्रंथ में प्रतिहार शासक जो वत्सराज है उनके बारे में भी पूरी जानकारी यहाँ मिलती है। नेक्स्ट देखें नरपति नाल है। तो आप लोग जो हैं वो
ऐसे ही याद करेंगे, बिल्कुल फैक्ट जो है वो ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाएगा कि चंदवरदाई ने जो है वह पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, उसमें जो है वो सबसे ज्यादा पृथ्वीराज थर्ड जो है उनके बारे में जो है वर्णन मिलता है, जो अजमेर के चौहान शासक थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज थर्ड याद रखना है, पृथ्वीराज सेकंड याद नहीं रखना है। नेक्स्ट जो उद्योतन सूरी हैं वो हमने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका ग्रंथ कुवले माला, जिसमें हमने देखा राजस्थानी भाषा का भी उल्लेख उन्होंने किया। और इसके अलावा जो है उद्योतन सूरी गुर्जर प्रतिहार शासक के समय जो है वत्स राज का वर्णन करते हैं। जालौर की जो जानकारी है वो भी हमें कुवले माला ग्रंथ से मिलती है। ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, टॉपिक जो है जो रचना जो है उसके साथ ही ये दो तीन लाइनें आप ऐड करते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखिए नरपति नाल, तो नरपति नाल का जो ग्रंथ है वीसल देव रासो, तो वीसल देव रासो जो कि चौहान शासक जो विग्रहराज चतुर्थ थे, जिन्हें हम वीसल देव के नाम से भी जानते हैं, तो इनके समय नरपति नाल ने वीसलदेव रासो ग्रंथ की रचना की। तो इसी ग्रंथ में विग्रहराज चतुर्थ यानी वीसलदेव और राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है। इसी ग्रंथ में ये भी है कि वीसलदेव जो है वो राजमती से नाराज होकर जो है वो 12 वर्ष के लिए जो है उड़ीसा चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है। यहाँ विशेषकर 3 पॉइंट आप याद रखें, ग्रंथ जो है कौन सा है, वीसलदेव रासो, किसने लिखा है, नरपति नाल ने। इसमें किसकी जानकारी हमें मिलती है, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ जिन्हें हम वीसलदेव कहते हैं, इनके बारे में जानकारी मिलती है। अगला देखें जयानक, जयानक का ग्रंथ जो है वो आप सभी को याद है, पृथ्वीराज विजय। ठीक है, इन्होंने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की थी, किसने, जयानक ने। तो इसमें भी पृथ्वीराज थर्ड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो एक तो है पृथ्वीराज रासो, वह भी पृथ्वीराज थर्ड के बारे में जानकारी देता है, और दूसरा है पृथ्वीराज विजय, और यह भी पृथ्वीराज थर्ड के बारे में जानकारी देता है। तो इस ग्रंथ की रचना जो है वो 12वीं सदी में की गई थी, और इसमें अजमेर के जो चौहानों का वर्णन जो है वह भी मिलता है। पृथ्वीराज थर्ड का तो मिलता ही है, इसके अलावा सपाल दक्ष के जो चौहान थे उनका वर्णन भी इसी ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट देखें श्रीधर व्यास, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रचना और रचनाकार, ये आप याद रखें, श्रीधर व्यास जिन्होंने रणमल छंद ग्रंथ की रचना की थी, पाटन के सूबेदार मुजफ्फर शाह और ईडर के राठौर राजा रणमल के युद्ध का वर्णन हमें इस रणमल छंद ग्रंथ में मिलता है। इसके अलावा इनकी जो दूसरी रचना भी है और वो कौन सी है, दुर्गा सप्तशती। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें याद रखिए, श्रीधर व्यास का जो ग्रंथ है एक रणमल छंद है और दूसरा है दुर्गा सप्तशती। अब देखिए नेक्स्ट जो है शिवदास गाडर, तो इन्होंने अचलदास खींचीरी वचनिका डिंगल भाषा में इसकी रचना की थी। शिवदास गाडर की जो रचना है वह कौन सी है, अचलदास खींचीरी वचनिका, और इसमें मांडू के सुल्तान होसंगा शाह और अचलदास खींची के बीच में जो युद्ध होता है 1423 ईस्वी का, इसका वर्णन है, और ये बात भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और इस रचना में, इस ग्रंथ में चंपू शैली और वीर रस जो है वह भी इसमें दिखाई देता है। तो इस काव्य में देखिए गागरौन दुर्ग में जो 1423 ईस्वी में मालवा के शासक जो होसंगा शाह थे और उनका आक्रमण, और अचलदास द्वारा जो है वो दुर्ग के साके का वर्णन जो है वह है इसी में मिलता है। फिर देखें कवि कल्लोल, तो कवि कल्लोल ने जो ग्रंथ लिखा ढोला मारूरा दुहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कवि कल्लोल, इनका जो पूरा नाम था कवि कल्लोल कुसल्लाप। ठीक है, तो इन्हीं की रचना है ढोला मारूरा दुहा। तो ये जो ग्रंथ है डिंगल भाषा में 11वीं सदी में इसकी रचना होती है, और इस ग्रंथ में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ढोला और मारू इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है। तो इनके अनुसार जो है वो ढोला जो है उसकी शादी जो है वो 3 वर्ष की आयु में पोंगल की जो राजकुमारी है मारू तो उसके साथ हो जाता है। ठीक है, और ढोला जब युवा होता है तो मारू को भूल जाता है। तो यही जो है इसमें ढोला और मारू इन दोनों की जो है वो प्रेम कहानी का वर्णन इस ढोला मारू का दुहा में है। ठीक है, तो ये एक प्रेम काव्य है, एक तो आप याद रखेंगे। तो कवि कल्लोल कुशल लाभ ने जो है किसकी रचना की थी, ढोला मारूरा दुहा की, और किस शैली में है, ये डिंगल शैली में है।
नेक्स्ट देखिए नयन चंद सूरी। नयन चंद सूरी का ग्रंथ है, इनकी रचना है हमीर महाकाव्य, और यह ग्रंथ जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें हमें रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव चौहान का वर्णन मिलता है। तो हम ये सभी बातें जो है वो पहले पढ़ भी चुके हैं। तो हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयनचंद सूरी ने लिखा, और इसमें हमें हमीर देव और दिल्ली का जो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, आपको याद आया होगा, इनके युद्ध का वर्णन हमें इसी में मिलता है। ठीक है, नयनचंद सूरी जो हैं हमीर महाकाव्य में ये भी लिखते हैं कि जो राजपूत हैं इनकी उत्पत्ति सूर्य से हुई है। ठीक है, तो इसीलिए हम राजपूतों को सूर्यवंशी कहते हैं। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए महाकवि माघ। तो महाकवि माघ जिन्होंने शिशुपाल वध इसकी रचना की थी, और माघ भीनमाल जालौर के थे, और इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की, ये एक लाइन याद रखें। फिर देखें चंद्रशेखर। तो जिन रचनाओं के बारे में एक दो लाइनें हैं वो मैंने यहाँ इसलिए लिखी हैं, हो सकता है एग्जामिनर जो है रचना पूछ ले, और इसके अलावा उनका वर्णन भी पूछ ले कि ये किसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद देखिए चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर ने हमीर हट और सुरजन चरित्र इन दोनों ग्रंथों की रचना की थी। बूंदी के शासक राव सुरजन के ये आश्रित कवि थे। चंद्रशेखर ने हमीर हट जो है उन्हीं हमीर देव के बारे में लिखा था जिनके बारे में कहा जाता है कि हमीर जो है वो एक बार अगर कोई चीज ठान लेते थे तो उसको करके ही छोड़ते थे, उनकी जिद या उनकी हट के आगे जो है वह किसी की नहीं चलती थी। ठीक है, और इसके साथ ही देखिए यहीं पर हमीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखा गया, और हमीर रासो जोधराज के द्वारा भी लिखा गया, हमीर रासो कवि महेश ने भी अपने समय में लिखा। ठीक है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमीर रासो की रचना किसने की थी, तो इन तीनों ने ही हमीर रासो जो है वो अपने अपने समय में लिखा था। तो यहाँ कवि महेश इन्होंने हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के संबंधों का वर्णन जो है हमीर रासो में लिखा। जोधराज ने अपने समय में जो है हमीर रासो लिखा, और इसमें भी इन्होंने हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन किया था। ठीक है, इसी तरीके से सारंगधर ने अपने समय में हमीर रासो ग्रंथ लिखा था। तो यहाँ पर हमीर हट जो है वह चंद्रशेखर ने लिखा, हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? नयन चंद सूरी ने लिखा था। ठीक है, और हमीर मद मर्दन जो है वो जयसिंह सूरी ने लिखा था। अगला देखें पद्मनाभ। पद्मनाभ ने कान्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ की रचना की थी। तो 1455 ईस्वी के लगभग जो है पद्मनाभ कान्नड़ देव प्रबंध की रचना करते हैं, और यहाँ पर कान्नड़ देव, उनका पुत्र वीरम देव और अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का सुल्तान, उसका वर्णन हमें इसमें मिलता है। तो जब हमने पढ़ा था जालौर के शासक, तो वहां हमने कान्नड़ देव, उनके पुत्र वीरम देव किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी से जो है वो युद्ध करते हैं जालौर दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी से बचाने के लिए। तो इस सब का वर्णन हमें कान्नड़ देव प्रबंध जो है उसमें मिलता है, और इस ग्रंथ की रचना करने वाले थे पद्मनाभ। ठीक है, और जालौर के जो अरखेराज चौहान थे उनके आश्रित कवि हैं पद्मनाभ। नेक्स्ट देखिए बिठू सूजा। बिठू सूजा का जो ग्रंथ है, जो रचना है, वह है राव जैतसीरो छंद। तो राव जैतसीरो छंद की रचना किसने की? बिठू सूजा ने की। और बीकानेर के शासक राव जैतसी का जो अकबर का बेटा था कामरान, ठीक है, तो कामरान और राव जैतसी इन दोनों के बीच में जो युद्ध होता है उसका वर्णन हमें राव जैतसीरो छंद इसमें मिलता है। किसने लिखा? ये बीठू सूजा ने लिखा। फिर देखें ईसरदास बारहट, इनका ग्रंथ है हाला झालारी कुंडलियां। अब देखिए यहाँ पर कई रचनाएं जो हैं वो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कुछ ही ऐसी रचनाएं आपको मिलेंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, बस उन पर ही आपको विशेष ध्यान देना है। अब देखिए ईसरदास बारहट। ईसरदास बारहट की रचना है हाला झालारी कुंडलिया। इसमें झाला राय सिंह और हाला सजा जी के मध्य जो है युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, कहानी जो है वो आपको नहीं भी याद रहती है तो कोई बात नहीं, इतना तो आप याद ही रखिए ईसरदास बारहट जो है इनकी रचना है हाला झालारी कुंडलिया। फिर देखिए दुरसा आड़ा। तो दुरसा आड़ा जिन्होंने महाराणा प्रताप और अकबर इन दोनों के बारे में लिखा था कि जो अकबर के दरबार में जो है महाराणा प्रताप की ये बहुत प्रशंसा करते थे,
और ये कहते भी थे अकबर को कि महाराणा प्रताप जो है उनको चुकाने वाला जो है यहाँ पर पैदा नहीं हुआ है, अकबर पूरे राजस्थान को अपने अधिकार में ले सकते हैं लेकिन महाराणा प्रताप यानी मेवाड़ को वो अपने आगे नहीं झुका सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है महाराणा प्रताप के बारे में कई जो है वो बातें अपने ग्रंथों में लिखते थे। और कहाँ थे ये, अकबर के दरबारी कवि थे, अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, और जोधपुर में इनका जन्म होता है। विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, राव सुरतांड्रो कवित, ये सभी रचनाएं इन्हीं की हैं। और शुद्ध जो है डिंगल भाषा में दुरसा आड़ा ने अपनी सभी रचनाएं लिखी। महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन जो है वो इन्होंने अकबर के सामने तो ये करते ही रहते थे। इसीलिए अकबर जो है वह महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बार बार कहते थे। और दुरसा आड़ा ने अकबर को अधह अवतार भी कहा है। ठीक है, फिर देखिए मोहनोत नैन्सी। तो मोहनोत नैन्सी जिन्होंने नैन्सी री ख्यात लिखा, मारवाड़ रा परगना री विगत, ये ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया, मोहनोत नैन्सी के द्वारा लिखा गया। तो ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। और ये जो थे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, इनके दरबारी विद्वान थे। और इसके अलावा जो है यहाँ पर दीवान के पद पर भी ये थे। ठीक है, तो दीवान के पद पर रहते हुए इन्होंने राज्य के उच्च पदों पर अपने रिश्तेदार जो थे उनकी नियुक्ति की थी। तो इस वजह से जो है ये इनके जो रिश्तेदार थे इन्होंने प्रजा पर कई अत्याचार किए थे, ऐसा जो है वह सुनने को मिलता है। तो यहाँ पर जो जसवंत सिंह थे इनसे नाराज हो गए थे और नाराज होकर इन्हें और इनके भाई सुंदर दास या सुंदरी सी को कारागार में बंदी कर लिया था, जहां पर इन्होंने जो है आत्महत्या कर ली थी। तो मोहनोत नैन सिंह जिन्होंने इतनी रचनाएं की, कवि थे, विद्वान थे, तो इन्होंने सोचा कि मेरे जैसे को जो है इन्होंने कारागार में डाल दिया है, तो यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा जो है बेइज्जती महसूस होती है और इस वजह से ये आत्महत्या कर लेते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, देखिए एक नैन्सी री ख्यात है, तो ख्यात क्या होता है, ख्यात जो है ख्याति यानी किसी राजा महाराजा की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ। ठीक है, तो इन्होंने बढ़ चढ़कर जो है मारवाड़ के राजा महाराजाओं की प्रशंसा की है। महाराजा जसवंत सिंह जो है इनकी भी बढ़ चढ़ के प्रशंसा की है। मारवाड़ रा परगना री विगत, तो इसमें इन्होंने जो है मारवाड़ का पूरा इतिहास जो है वह लिखा है। और इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। जनगणना का उल्लेख भी उस समय का इसी में मिलता है, मारवाड़ रा परगना री विगत। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का गजेटियर जो है वह किसे कहते हैं, नैन्सी री ख्यात को या मारवाड़ रा परगना री विगत को। तो मारवाड़ शब्द को याद रखिए, ठीक है, बहुत बड़ी टर्म है मारवाड़, तो यहाँ मारवाड़ रा परगना री विगत, इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ठीक है, और जो नैन्सी री ख्यात है इसमें 1000 पेज हैं। ठीक है, और ये जो ख्यात है डिंगल भाषा में लिखी गई है। मुंशी देवी प्रसाद जो हैं इन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहते हैं, किसको, मोहनोत नैन्सी को, क्योंकि इन्होंने मारवाड़ का पूरा इतिहास जो है वो अपनी रचनाओं में लिखा। इसीलिए मोहनोत नैन्सी जो हैं इनको मुंशी देवी प्रसाद क्या कहते हैं, राजपुताने का अबुल फजल कहते हैं। ठीक है, और नैन्सी री ख्यात को देखिए जो मुरारी दान था उसने प्रसिद्ध किया था। और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा था, तो मोहनोत नैन्सी को कहा था। और इनकी जो रचना है कौन सी, मारवाड़ा परगनारी विगत, इसकी तुलना ये किससे करते हैं, आईने अकबरी से करते हैं। ठीक है, फिर देखें कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया जिन्होंने राजिये रासोर ठा, इसके अलावा इन्होंने कई जो है वो लिखे राजिये के नाम पर, तो राजिया जो है वो कौन था, राजिया जो है कृपाराम खिड़िया का एक सेवक था। तो कवि ने अपने दोहों के माध्यम से राजिया को वास्तव में इतना ज्यादा मतलब बड़ा चढ़ाकर इतना ज्यादा उसकी खूबी जो है अपने सोठों में लिखी कि लोग जो हैं राजिया को जानते हैं, कृपाराम जी जो हैं इनसे ज्यादा राजिये को जानते हैं। अगला देखें मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है पद्मावत, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार और डिटेल में बताया है। ठीक है, तो पद्मावत ग्रंथ जो है इसकी रचना जो है 1540 ईस्वी में किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। तो जिस ग्रंथ में मैंने आपको बताया था कि जो चित्तौड़ के राजा होते हैं रतन सिंह और सिंगल दीप की जो राजकुमारी थी पद्मिनी, ठीक है, तो इनकी प्रेम कथा का वर्णन मिलता है।
और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो है कैसे आक्रमण करता है चित्तौड़ पर, ठीक है, और रतन सिंह और रानी पद्मिनी, और जिस वजह से यहाँ पर जो है जौहर होता है, साका होता है, ठीक है। तो ये सभी बातें मैंने आपको बताई थी। तो ये जो पद्मावत है, ये ग्रंथ जो है वो हिंदी भाषा में लिखा गया है, ये याद रखें। हो सकता है एग्जामिनर जो है वो पूछ ले कि पद्मावत ग्रंथ जो है वह है संस्कृत भाषा में है या हिंदी में, तो ये हिंदी भाषा में लिखा गया है। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ कि किसने किस ग्रंथ की रचना की। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि चंदवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज थर्ड जो अजमेर के चौहान शासक थे, उनके बारे में उनका वर्णन किया पृथ्वीराज रासो में। उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला ग्रंथ लिखी, जिसमें मैंने आपको बताया दो लाइनें महत्वपूर्ण हैं। एक तो याद रखिए कि उद्योतन सूरी ने अपनी कुवलयमाला ग्रंथ में राजस्थानी भाषा जो है जिसको मरुवाणी कहा, ठीक है, मरु भाषा को क्या कहा, मरुवाणी कहा। और उसमें वत्सराज जो है गुर्जर प्रतिहार शासक और जालौर जो है उसका इतिहास मिलता है कुवलयमाला ग्रंथ में। नरपति नाल ने विसलदेव रासो लिखा था, और जयानक जो है जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा, ठीक है, उसमें भी पृथ्वीराज थर्ड के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखिए, चंदवरदाई का पृथ्वीराज रासो और जयानक का पृथ्वीराज विजय, इन दोनों ग्रंथों में ही हमें पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हमने देखा कवि कल्लोल जो हैं जिन्होंने ढोला मारू रा दोहा लिखा, जिसमें ढोला और मारू दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है। नयनचंद सूरी का जो है हमीर महाकाव्य है। इसके अलावा मैंने उसके साथ में ही आपको याद करवाया जोधराज का हमीर रासो है, चंद्रशेखर का हमीर हट है ना, और जय सिंह सूरी का हमीर मदमर्दन है, हमीर रासो जो है वह महेश का भी है। ऐसे आप जो हैं वो बार बार इनको पढ़ें तो याद होगा। और महाकवि माघ जिन्होंने शिशुपाल वध की रचना की, ऐसे ही एग्जाम में उठकर क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की। बीटू सूजा ने राव जैसीरो छंद जो है इसकी रचना की। इसके अलावा कानर देव प्रबंध जो ग्रंथ की रचना है किसने की, पद्मनाभ ने की थी, ठीक है, और जिसमें कानर देव और जालौर जो है उसका इतिहास जो है वो हमें पता चलता है। दुरसा आड़ा जो कि अकबर के दरबारी कवि थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप की वीरता का बहुत ज़्यादा वर्णन जो है वो अकबर के सामने किया था, विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, राव सुरतार रो कवित, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, दुरसा आड़ा की हैं। मोनोत नैन्सी के दो प्रमुख ग्रंथ, नैन्सी रिख्यात, मारवाड़ रा परगनारी विगत, इनको याद रखिए। मारवाड़ रा परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद जो हैं नैन्सी को क्या कहते हैं, राजपुताने का अबुल फजल कहते हैं। राजीय रसोरठा ग्रंथ की रचना किसने की, कृपाराम खिड़िया ने की। पद्मावत किसने लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। तो यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ा दिया है इसको आप रिवाइज करिएगा, ठीक है, बार बार इनको पढ़िएगा, नोट्स को रखकर नहीं बैठना है। बहुत मेहनत से जो है यहाँ पर नोट्स जो हैं वो आपको बिल्कुल नए तरीके से लिखकर आपको दिए जा रहे हैं, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम आगे जो राजस्थानी साहित्य हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।